राधे राधे महाराज। राधे राधे। आज कथा में हमने ये सुना कि हमको अपना क्रोध शांत रखना चाहिए, पति पत्नी में झगड़े हो तो संयमता से काम लेना चाहिए और शांति बनानी चाहिए। तो अब बनेगी जी, खुश रहिए। कोई सवाल जी? महाराज जी, मेरे पति का जन्म शिवरात्रि के दिन हुआ था। उनको सांप से थोड़ा भय होता है, जैसे कोई चीज़ बहुत दिनों तक यूज़ नहीं होती तो उनको छूने में उनको भय होता है कि इसमें कुछ लिपटा हुआ है सांप टाइप का। कोई बात नहीं, भय है, सांप कोई दोष नहीं है। आपके यहाँ तो सांप पकड़ने वाले हैं, आज हम गए थे उनके पास। हमारे घर में सांप ऐसे नहीं आता है, फिर बट उनके मन में भय है तो शिवरात्रि। कोई बात नहीं, भय नहीं रखना, भगवान पर विश्वास रखना। भैया खड़े हो जाइए। राधे राधे। भैया बताएंगे आज कथा में इन्होंने। यहाँ ले आओ माइक। ये भैया टोपी वाले बात करेंगे क्या? बात कराओ फिर। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हम झारखंड गढ़वा से आए हैं। बताइए। तो हमारा दो सवाल है महाराज जी। बोलिए। एक हम फोटो लाए हैं ठाकुर जी का, 1280 किलो के मूर्ति हमारे यहाँ ठाकुर जी का है, बाबा बंसीधर नगर उटारी जी। तो हम यहाँ सुपूत करना चाहते हैं आपके चरणों में। अभी कर दीजिएगा दूसरा सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल ये है महाराज जी, आपको बात करनी है। आयुर्वेद अभी आएगा। हम आयुर्वेद देसी चिकित्सक हुए। हाँ। तो हम तुलसी पत्ता और बेल पत्र का औषधि बनाकर लोगों में चलाते हैं, देते हैं। अच्छा है। तो हम चाह रहे हैं महाराज जी आपसे सुझाव। अच्छा है, औषधि आप बनाते हैं, दीजिए जो रोग ठीक कर सके कराइए, खुश रहिए। और महाराज जी एक और चीज कहना चाहते हैं, यहाँ ले आना माइक आगे। गौरी गोपाल आश्रम में हम अपने यहाँ से ठंडा तेल और दर्द की तेल और क्या सुपुत करना चाहते? बिल्कुल भेज देना, हम माताओं को देंगे तो माताओं का भी बुढ़ापे का दर्द है कम हो जाएगा। यदि आप दे सकें तो दे दीजिएगा। यहाँ ले आओ खड़े, आपको बात करनी है। राधे राधे जी। राधे राधे जी। मेरा सवाल मेरे पति से है। आपका सवाल आपके पति से है? जी, मतलब पति से रिलेटेड है। अच्छा, पति से रिलेटेड, बताइए। अभी वो 4-5 सालों से उनका तबीयत मतलब कंटिन्यू, एक ठीक होता है तो फिर एक शुरू हो जाता है, फिर एक ठीक होता है फिर एक शुरू हो जाता है। तो एक तो आप आशीर्वाद दे दीजिए और एक बताइए मैं कैसे उनको मतलब स्वस्थ रखूं। उनको बोलना योग किया करें, दौड़ा करें और थोड़ा अंकुरित चीज़ें आप बना बना के उनको अंकुरित चीज़ें, थोड़ा बढ़िया हेल्दी भोजन प्रसाद उनको कराते रहो जी। जी एक और सवाल सर। हाँ। मन अशांत रहता है तो उस समय क्या करना चाहिए? कथा सुनते रहिए, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। कथा ही कर सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं जी। राधे राधे। पीछे ले जाओ, यहाँ माइक जो खड़े हैं सामने से सबको एक एक बार आपको बात करनी। यहाँ ले आना, ये बच्ची खड़ी है, फास्ट बात कराओ इनसे। जाओ। आप लोगों को अंबिकापुर वासियों को कथा अच्छी लग रही है कि नहीं? किस किस को लगी? अच्छी लगी, खुश रहिए, बताइए। गुरुजी राधे राधे। हाँ राधे राधे। मुझे आज की यह कथा में यह अच्छा लगा कि हीरे को कैसे पहचाने। वाह, पूरी कथा फिर आपने सुनी है आज। हीरे को कैसे, क्या है हीरे को पहचानने की कला, बताइए। धूप में रखो और जो हीरा गर्म हो जाए वो नकली हीरा है, और जो हीरा कभी गर्म ना हो वो असली हीरा है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि हमें कैसे सिचुएशन कैसी भी हो हमेशा अपने स्वभाव में रहना चाहिए। वाह वाह, धन्य है आप, इतना ऊंचा ज्ञान आपने हासिल किया है। देखो बच्ची से सीखो। आज की कथा में सबसे विशेष चीज थी ये, जो आप लोग नहीं उसको ला रहे थे, ये सबसे खास थी कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। हम बात बात में गुस्सा करते हैं, नहीं करना चाहिए, ठंडक रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखो, विवेकशील। भजने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, खुश रहिए, धन्यवाद, प्रसन्न रहिए। वो देना ब्लैक कपड़े पहने बहन।